बुलंदशहर के खबरा गांव में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष हो गया। देखते ही देखते दो पक्षों में जमकर पथराव और लाठी डंडे चले। यही नहीं, विवाद में कई राउंड फायरिंग होने की भी सूचना है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दो पक्षों में खूनी संघर्ष की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गए। दो पक्षों में आपस में कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था, वो विवाद चल रहा था, इसी बीच में कुछ और झगड़ा हुआ है और जिसमें दो तीन लोगों को चोटें आई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों पक्षों के विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। फिलहाल गाँव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस मामले में जाँच के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।